हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूं। ऐसे जजमेंट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूं। आज जो मैं आपके लिए जजमेंट लेकर आई हूं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जिन्होंने ये फैसला सुनाया कि बिना वारंट के तलाशी लेना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह फैसला सुनाते हुए ये कहा कि बिना वारंट के तलाशी करना राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया, जो इस तरह की अवैध तलाशी करने के लिए पीड़ित याचिकाकर्ता को दिया जाएगा। ये फैसला औरंगाबाद पीठ न्यायमूर्ति टीवी नलवड़े और न्यायमूर्ति एसएम गवने की खंडपीठ ने एक ड्राइवर गानेश्वर टोडमल द्वारा दायर की गई एक आपराधिक याचिका पर दिया था। चलिए समझते हैं कि क्या था ये मामला। इस मामले में घटना 5 और 6 मई 2018 की रात को लगभग 2 बजे हुई थी। याचिकाकर्ता के घर की तलाशी नवासा पुलिस ने जिला अहमदनगर द्वारा ली गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार पुलिस ने इस तरह की तलाशी लेने के लिए कोई सर्च वारंट हासिल नहीं किया था और आखिरकार उसके घर से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद भी नहीं हुआ था। याचिकाकर्ता ने ये दावा भी किया कि तलाशी के दौरान विट्ठल गायकवाड़ नामक एक कांस्टेबल ने उसके घर में एक देसी कट्टा रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन याचिकाकर्ता की सतर्कता के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। याचिकाकर्ता ने ये भी दलील दी कि उसके घर से बाहर निकलते समय पुलिस अधिकारियों ने उसे धमकी देते हुए कहा था कि वो उसे झूठे अपराध में फंसा देंगे। उसने ये याचिका दायर करते हुए ये तर्क दिया कि ये उसकी निजता का उल्लंघन है और साथ में भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले हुए मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने 7 मई 2018 को संबंधित तहसीलदार के सामने पुलिस के इस अवैध काम के बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये शिकायत 10 मई 2018 को जिला पुलिस अधीक्षक को भी दी गई थी और शिकायत की एक कॉपी राज्य मानव अधिकार आयोग को भी भेजी गई थी, लेकिन प्रतिवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने 2018 में एक रिट याचिका दायर की थी। मामले की कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक अहमदनगर ने एक पत्र को अदालत में दिखाया। इस पत्र के अनुसार मामले की जांच करने के लिए उपमंडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस तरह से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के मद्देनजर याचिका का निस्तारण कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक अहमदनगर ने इस मामले में याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर अब तक उस एरिया में कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 16 अपराध दर्ज किए जा चुके हैं, क्योंकि उनके कब्जे में शस्त्र पाए गए थे। ऐसी परिस्थिति के कारण इस बात की संभावना थी कि उस स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों के पास हथियार होंगे और वो गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल हैं, इसलिए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऐसी कार्रवाई की थी। इस केस का निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 166 के प्रोविजन से ये पता चलता है कि एक थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट जारी करने के लिए किसी दूसरे वारंट की आवश्यकता हो सकती है, जब तलाशी की जाने वाली जगह दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हो। इस कोर्ट का मानना है कि सीआरपीसी की धारा 165 और 166 के प्रोविजन वर्तमान मामले में लागू होते हैं। कोर्ट ने कहा कि जानकारी मिलने पर जानकारी देने वाले मुखबिर के नाम का खुलासा करना जरूरी नहीं है, पर पुलिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जिस सूचना को प्राप्त कर रही है उसका रिकॉर्ड बनाए। इस तरह की जानकारी डायरी में की जानी चाहिए जिसमें संज्ञेय अपराध का मामला शामिल हो। इस कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारी जब भी निकले तब भी उन्हें स्टेशन डायरी में अपनी इस कार्रवाई या फिर ऐसे कदम के बारे में जानकारी जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा पेश रिकॉर्ड से पता चलता है कि ज़्यादातर प्रतिवादियों को उस रात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम का जिम्मा दिया गया था। वे सभी इस कार्रवाई के लिए उस रात एक साथ आए थे, लेकिन गुप्त सूचना और सीआरपीसी की धारा 165 के प्रोविजन के अनुपालन के संदर्भ में कोई लिखित एंट्री नहीं मिलती।
इस तरह से अदालत ने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह से अवैध थी। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही राज्य को इस बात की अनुमति या फिर स्वतंत्रता दी कि वो चाहे तो प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों से मुआवजे की राशि वसूल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा फैसला। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस जजमेंट की PDF कॉपी चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन पहले मिलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली ऐसी ही नई जानकारी के साथ।